कैसा पावर सप्लाई देते हैं वारंटी रिप्लेसमेंट में, ना स्क्रूज दिया साथ में, ना साथ में पावर कॉर्ड दिया, मतलब क्या बात है जी। एक महत्वपूर्ण सूचना, मुझे हर वीडियो लाने से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और सब्सक्राइबर्स भी कम होते जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाता रह सकूं। सो हे गाइस, अब मुझे पता है काफ़ी समय के बाद ये नया वीडियो आ रहा है यहाँ पर यूट्यूब पर। सो सॉरी फॉर दैट, मेरा पीसी यहाँ पर आप पीछे में देख सकते हैं, ये ख़राब हो गया था। बेसिकली इसका पावर सप्लाई जल गया था हाई वोल्टेज के कारण। मैंने सोचा कि उस पावर सप्लाई की वारंटी क्लेम की जाए, क्योंकि 3 साल की वारंटी थी उस पर। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये वारंटी मैंने कैसे क्लेम की और कैसे मेरे पास ये नया पावर सप्लाई जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो मेरे पास आ गया, और क्या कुछ एक्सपीरियंस था। वो आप इस वीडियो में जान सकते हैं। और साथ ही में मैं बता दूं कि मेरे पास VS550 पावर सप्लाई था, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये CV550 पावर सप्लाई है। ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा बेटर मॉडल मिल गया वारंटी के तहत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और देखते हैं कि मुझे कैसे मिला ये पावर सप्लाई, कितना टाइम लगा और कैसा था मेरा एक्सपीरियंस, और क्या आपको भी वारंटी क्लेम करनी चाहिए और अपना खराब प्रोडक्ट रिप्लेस करवाना चाहिए। तो चलिए गाइस, क्विकली इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, जो वारंटी रिप्लेसमेंट ये वाला आया है हमारे पास। और हाँ, खोलते समय मैं आपको यहाँ पर साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो वीडियो का और बात भी जल्दी बने। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में जो पावर सप्लाई मेरे पास था VS550, उस पावर सप्लाई की कहानी कुछ ऐसी थी कि वो हाई वोल्टेज से जल गया था। सबसे पहले मैंने कॉर्जियर का एक फ़ोन नंबर खोजने के बारे में सोचा, बट उनका फ़ोन नंबर एक्चुअली लगता नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए वहाँ पर मैंने सबसे पहले उनकी कॉर्जियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक टोकन रेज कर दिया। मैंने उसके बाद उन्हें पूरा एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया, पूरा डिस्क्राइब किया कि एक्चुअली मैं मेरे साथ हुआ क्या था। उसके बाद उनकी तरफ से एक मेल आया मुझे कि आपके जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर्स हैं, एक लिंक उन्होंने सेंड की थी और उन्होंने कहा कि इस लिंक से आप देख सकते हो। तो मैंने वहाँ से उनके सारे नियरेस्ट सर्विस सेंटर्स को देखा, एंड यहाँ रांची में एक ही था, विच इज़ सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस, और वहाँ पर मैंने जाके ये पुराना वाला पावर सप्लाई उन्हें दे दिया। ये नहीं, ये तो नया है, पुराना वाला, वो जो VS550 था। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है टाइम, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर टाइम के ही बारे में पूछेंगे कि एक वारंटी रिप्लेसमेंट पैकेज आने में टाइम कितना लगता है। एक सिलिका जेल और बॉक्स हो गया एम्प्टी। आने में जो टाइम लगा वो है करीब 1.5 महीने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा, तो आई थिंक सो 1 महीने में ही आ गया होगा। लेकिन एक्चुअली वहाँ सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेज में जो बैठती थी, उनके ब्रदर इन लॉ का डेथ हो गया था अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोरोना, और इसीलिए वो रांची में नहीं थी। तो हो सकता है पहले भी आ गया होगा, तो हमें पता नहीं चला, बट 1.5 महीने के बाद पता चला कि वो एग्जैक्टली आ गया है और हमें मिल भी गया आज के डेट पे। तो आप देख सकते हो अब ये नया पावर सप्लाई, बेनिफिट क्या हुआ कि हमें नया पावर सप्लाई मिल गया CV550, जिसका ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा है, पर हमें मिल गया फ्री में, वारंटी में, और ये एक बेनिफिट हुआ। पर नुकसान ये हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। सबसे पहली बात कि कोई भी स्क्रूज हमें नहीं मिले पावर सप्लाई माउंट करने के लिए, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि हमें कोई पावर कॉर्ड भी नहीं मिला। तो स्क्रूज तो मैंने अपने बहुत ही पुराने, एक 20 साल पुराने कंप्यूटर से निकाल लिए थे, बट जहाँ तक कि पावर कॉर्ड की बात आती है, वो हमें कहीं और से लाना पड़ा। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आपको उसके साथ, पावर सप्लाई के साथ, स्क्रूज़ एज वेल एज पावर कॉर्ड नहीं मिलता है। और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये स्क्रूज मिल गए और
साथ ही मैं ये पावर कॉर्ड भी कॉर्जियर ने भेज दिया है यहाँ पर मेरे एड्रेस पर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इंडियन स्टाइल का पावर कॉर्ड है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये एक स्पेयर आ गया, इसे हम लोग साइड में रख देते हैं कहीं पर। लेकिन ये जो स्क्रूज़ है ये मुझे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मैं टेम्प्रोरी स्क्रूज़ यूज़ कर रहा हूँ पुराने पीसी का। सो बस यही थी कहानी। तो अब आप पूछेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉर्जर की वारंटी सपोर्ट का। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जो वारंटी सपोर्ट है उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही रहा। अभी कोरोना वायरस के कारण 1-1.5 महीने का टाइम लग जा रहा है, विच इज़ नॉर्मल, और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं CV550 जो नया आ गया है हमारे पास कॉर्जियर की तरफ से। ये है फ्रंट पैनल, एग्जैक्टली वैसा ही लगता है VS550 की तरह, लेकिन थोड़ा सा बेटर है, देख सकते हैं। तो ये रहा पावर सप्लाई, और बस यही थी कहानी। चलिए इसे लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पीसी और काम शुरू करते हैं। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इंडिया में कॉर्जियर की वारंटी सर्विस कैसी है, और साथ ही में आपको यहाँ पर वारंटी क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर चीज़ मिल जाएगी। सो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं अपने पीसी में इसे लगाकर।